भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला जो कि बांसुरी बनाने में और पूरी दुनिया में बांसुरी को निर्यात करने में सबसे नंबर वन माना जाता है। ये वही जिला है जो नेपाल की सीमा पर स्थित शिवालिक रेंज का हिस्सा है और जो गोमती नदी की उत्पत्ति के लिए भी जाना जाता है। और तो और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा वन समृद्ध क्षेत्रों में से उत्तर प्रदेश में नंबर वन स्थान पे आता है। और तो और यहाँ की साक्षरता की अगर बात की जाए तो 63.58 है, वहीं लिंगानुपात 889 है। यहाँ की गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं यूपी 26 से। 2011 के हिसाब से पीलीभीत की कुल जनसंख्या 20,31,007 है। इसके साथ ही दोस्तों, पीलीभीत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 260 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और तो और यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। इसका पूरा भूभाग समतल है। इसके साथ ही आप अगर पीलीभीत घूमने आ रहे हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिस नहीं किया जा सकता। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले और शाहजहांपुर जिले में फैला हुआ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आपको बहुत सारे जंगली जानवर और जंगल का दृश्य देखने को मिलता है। इस टाइगर रिजर्व में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का अवार्ड भी इसे मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2014 में यहाँ बाघों की संख्या 25 थी, 2018 आते आते तेज़ी से उछाल आया और बाघों की संख्या यहाँ पर 65 हो गई। इसलिए इस टाइगर रिजर्व को अवार्ड भी मिल चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर चूका इको टूरिज्म स्पॉट भी है, जो कि यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस है। चूका इको टूरिज्म साइट पीलीभीत जिले का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको जंगल का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर ही इसे माना जाता है। यह मोहाफ रेंज में है। चूका इको टूरिज्म स्पॉट शारदा सागर बांध के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर सुंदर बीच बना हुआ है जिसे चूका बीच कहा जाता है। दूसरी तरफ शारदा सागर का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आके आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप अपना बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं। यहाँ पर ट्री हाउस भी है जहाँ आप ठहर भी सकते हैं। अगला जो स्थान है, इसे मन कामेश्वर मंदिर पीलीभीत के नाम से जाना जाता है। मन कामेश्वर मंदिर पीलीभीत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलते हैं। यह मंदिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के पास में स्थित है। यहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आकर आपको बहुत शांति मिलती है। सावन सोमवार और महाशिवरात्रि के समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। जामा मस्जिद पीलीभीत। जामा मस्जिद पीलीभीत का एक धार्मिक स्थल है। यह स्थल मुस्लिम कम्युनिटी का एक पवित्र स्थान है। ये मस्जिद जामा मस्जिद का प्रतिरूप भी है। इस मस्जिद का निर्माण हाफिज अहमद खान ने 1769 में किया था। यह मस्जिद बहुत सुंदर है। आप इस मस्जिद को देखने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े गुंबद देखने को मिलते हैं। मंदिर के बीच में छोटा सा कुंड बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ हर शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। ये पीलीभीत शहर में मुख्य स्थान पर स्थित है।